तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। तो आज का जो टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट होने वाला है वो है रीतिकाल, यानी जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होने वाले हैं सारे रीतिकाल से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि रीतिकाल से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जब पहला क्वेश्चन है वो है रीतकाल को क्या कहते हैं। नंबर एक वर्तमान काल, बी नंबर भक्तिकाल, सी नंबर पूर्व मध्यकाल, डी नंबर उत्तर मध्यकाल। जिन स्टूडेंट का राइट आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं इसका बता देता हूँ, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर उत्तर मध्यकाल, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पिछले एग्जाम में यानी कि पिछले सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बिहाव पे मैंने ये पीडीएफ तैयार की है और उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। और इन सब क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीतकाल को रीतकाल नाम किसने दिया। नंबर एक पंत, बी नंबर डॉक्टर नागेंद्र, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर रामकुमार वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। नंबर एक आदिकाल, बी नंबर रीतिकाल, सी नंबर भक्तिकाल, डी नंबर रीतिकाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, डी नंबर। सॉरी ट्रेंड, यहाँ पर दो बार रीतिकाल आ गया, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। वो दो बार टाइप कर रहे थे तो दो बार लिख गया है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया, तो वो कौन सा काल है, रीतिकाल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आज की इस वीडियो में हम रीतकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी तक और वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने बीए बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पर, अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लीजिए, आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है ललित ललाम के रचयिता कौन है। नंबर एक मतीराम, बी नंबर देव, सी नंबर रसलीन, डी नंबर भूषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कृति किसकी, ठीक है, किसकी कृति है या इस कृति को किसने रचा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तो आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं। तो रीतकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। नंबर एक डॉक्टर सत्येंद्र, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर विश्वासनाथ प्रसाद मिश्र, डी नंबर नागेंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होता है इसका श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। नंबर एक देव, बी नंबर जसवंत सिंह, सी नंबर भूषण, डी नंबर ग्वाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर जसवंत सिंह, भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रीतबद्ध कवि कौन है। नंबर एक बिहारी, बी नंबर है ठाकुर, सी नंबर है घनानंद, डी नंबर है देव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर बिहारी, इनमें से रीतबद्ध कवि हैं बिहारी जी। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में ओमार सीट पे एग्जाम हो रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रू फॉल्स मल्टीपल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया उसे इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है ये और इसके चार ये ऑप्शन है, जो करेक्ट होगा उसे ओमार सीट में आपको गोला करना होगा, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में शायद अभी ये रूल्स नहीं लागू हुआ है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा।
फिलहाल मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी वीडियो जल्द मिल जाएगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सहजो बाई किस काल की कवयित्री है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, वो होता है रीतकाल। सहजो बाई जी हैं वो हैं रीतकाल की कवयित्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीतकाल का प्रमुख विषय क्या है। नंबर एक प्रेम, बी नंबर श्रृंगार, सी नंबर ज्ञान, डी नंबर विषय शक्ति। तो जो श्रृंगार काल का प्रमुख विषय है वो है, सॉरी रीतकाल का प्रमुख विषय है वो है श्रृंगार, ठीक है, बी नंबर है राइट आंसर श्रृंगार। आपको जो क्वेश्चन लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा व बावनी के लेखक कौन है। नंबर एक मदिराम, बी नंबर भूषण, सी नंबर रसलीन और डी नंबर है देव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर भूषण जी, ठीक है, शिवा बावनी के लेखक भूषण जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा। नंबर एक त्रिलोचन, बी नंबर है बिहारी, सी नंबर है बोधा, डी नंबर है केशोदास। तो रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन जी ने रीतकाल को अंधकार काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्र प्रकाश किसकी कृति है। नंबर एक घनानंद, बी नंबर मतिराम, सी नंबर देव, डी नंबर बिहारी। तो छत्र प्रकाश जो कृति है वो है देव जी की है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, देव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल को कला काल किसने कहा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा, अब दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है कि रीतकाल को कला काल किसने कहा। तो नंबर एक बिहारी, बी नंबर बोधा, डी नंबर है सी नंबर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और डी नंबर है रसलीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रीतकाल कभी कौन नहीं है। नंबर एक रसखान, बी नंबर बेनी, सी नंबर याकूब, डी नंबर है याकूब खां है और डी नंबर है डुलाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है, आप लोगों को शायद मालूम ही है इसका राइट आंसर, रसखान जी, ठीक है, रसखान जी रीतकाल का के कवि नहीं है, शायद आप लोगों को मालूम होगा किस काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण चरित किसकी रचना है। जो श्री कृष्ण चरित है वो किसके द्वारा रची गई है। तो नंबर एक लाल कवि, बी नंबर सोमनाथ, सी नंबर श्रीधर और डी नंबर सुरत मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर सुरत मिश्रा जी, ठीक है, मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रसायन किसकी कृति है। नंबर एक घनानंद, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द रसायन है वो है देव जी की है, ये भी शब्द रसायन जो कृति है वो देव जी की है, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भूषण को कभी भूषण की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूषण को कभी भूषण की उपाधि किसने दी। तो देव जी हैं सोलांकी राजा रुद्र और सी नंबर है गोप और डी नंबर है ग्वाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, ठीक है, सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी, कभी भूषण की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीतकालीन काव्य की विशेषता नहीं है। नंबर एक रीत निरूपण, बी नंबर राष्ट्रीय भावना, सी नंबर चमत्कार प्रदर्शन, डी नंबर श्रृंगार की प्रमुखता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर राष्ट्रीय भावना, ठीक है, राष्ट्रीय भावना विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है। नंबर एक प्रहसन, बी नंबर महाकाव्य, सी नंबर चरित काव्य और डी नंबर है काव्यांग निरूपक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है
डी नंबर, ठीक है, काव्यांग निरूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसराज कृत किसकी है? रसराज कृत किसकी है? नंबर एक ठाकुर, बी नंबर बिहारी, सी नंबर मतिराम और डी नंबर है देव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, मतिराम जी हैं, ठीक है, मतिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्क लता के रचनाकार का नाम, जो इश्क लता के रचनाकार का नाम है वो क्या है? नंबर एक बोधा, बी नंबर ठाकुर, सी नंबर आलम, डी नंबर देव। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, बोधा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? नंबर एक सुजान सिंह, बी नंबर जय सिंह, सी नंबर है नरसिंह, डी नंबर है पृथ्वी सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर, पृथ्वी सिंह, ठीक है, रसनिधि का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? नंबर एक चंपू, बी नंबर कथा काव्य, सी नंबर मुक्तक, डी नंबर प्रबंधक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है सी नंबर, कौन सा होता है? सी नंबर मुक्तक। ध्यान देना है, रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? मुक्तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्त रत्नाकार किसकी रचना है? नंबर एक पद्माकर, बी नंबर भूषण, सी नंबर देव और डी नंबर है सेनापति। तो जो कवित्त रत्नाकार है वो सेनापति जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हरण के नयनानु ते हरणी के नयन में कौन सा अलंकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को एक पूरी पंक्ति दी होगी जिसमें आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा अलंकार है या कौन सा अलंकार पाया जाता है, ठीक है। तो नंबर एक है श्लेष, बी नंबर है रूपक, सी नंबर है यमक प्रतीप और डी नंबर है अतिशयोक्त। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है उसका नाम है, क्या नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, यमक प्रतीप अलंकार है, ठीक है, इस पंक्ति में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं और भी वीडियो प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन की PDF आप लोगों को कहाँ मिल जाएगी। तो हम आते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, यानी कि सबसे ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फेसबुक पेज है, मैं इस फेसबुक पेज पर ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा या वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस फेसबुक पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप फेसबुक पेज पे। और हाँ, मेरी वेबसाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी इसलिए मैंने भी लिंक नहीं दिया, फिलहाल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी मैं उसे पूरी तरह से सही करके आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट एक दो दिन में सही हो जाएगी, तो जब आप चेक करेंगे तो वेबसाइट पर भी आप ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।